बंदा बैतुल्ला दा हाजी होवे, बैतुल्ला दा हाजी होवे, तुसी आखो ते मैं अलम सिर ते रख के ये लफ्ज़ पढ़ सकना। मेरे सामने किबला भी बैठे ने, दो मिंबर ते खलो के 14 की कचहरी च मैं खलो के आदा पिया, यकीनन 14 तशरीफ फरमा ने, 14 की कचहरी च आदा पिया। बंदा बैतुल्ला दा हाजी होवे, वड्डा जंजीर जन होवे, ते जलसे 15 करांदा होवे, वसीम बलोच तो शुरू होवे, ते सकलैन गल्लू ते मुके, एडा बानी भी होवे, 35 वार दा जवार भी होवे, काबे दा हाजी भी होवे, घर च बह के मां प्यो नूं उंगल दे इशारे नाल गुस्से दी हालत च ओफ आखे, सारियां नेकियां उत्थे खत्म हो गई। अपने जवान भाइयों वास्ते किबला लफ्ज़ आखना चाहना, घर चो बुढ़ी मां ते प्यो कोई गुस्से की हालत कोई गल कर लैन, तुहानूं पसंद ना आवे, उत्थे बवो ही ना, उठो बाहर चले जाओ। बाबा जी इथों तक मना किया है, इथों तक शरीयत, इथों तक किबला शरीयत मना किया है कि मां ते प्यो दे रले कोशिश करके रोटी ना खाओ बह के। मां ते प्यो दे रले बह के एक प्लेट च बह के रोटी टुकर नहीं खाना, शरीयत मना किया। उन्हें वजह कि मता विच दो बोटियां पईयां होण ते तुसी उस बोटी नूं हाथ ला पवो जिंदे ते तुहाडे मां ते प्यो दा दिल है, यानी शरीयत इतना भी बर्दाश्त नहीं करती। हाय बंदा हाल ते नमाज विच होवे, अल्लाह दी नमाज पढ़ रहा, अल्लाह दी नमाज, उस खालिक दी नमाज अदा कर रहा है, रकू दी हालत च अल्लाह दे हजूर पेश है, सजदा या रकू दी हालत च, पिछो मां प्यो आवाज दे के सद चा मारे ना, छड़ दे नमाज। हुण इहदो वध को फजीलत है जे ते मैनूं दस्सो।